मुंगेर में कोरोना से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जिले के सरकारी विद्यालय के एक साथ 22 बच्चे और 3 शिक्षक का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिले में एक बार फिर कोरोना ने दी दस्तक। वहीं सीएस ने कहा, कंटेनमेंट जोन घोषित करने के अलावा अन्य विद्यालयों के बच्चों का भी कराया जाएगा कोरोना टेस्ट। सरगंज में ममई एक हाई स्कूल है जहां 75 बच्चों का 18 से 14 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों का टेस्ट किया गया, जिसमें टीचर सहित 11 से 14 वर्ष के बच्चों में 25 केसेस पॉजिटिव पाए गए। आउट ऑफ 75 में 25 केस पॉजिटिव पाए गए। इसके सूचना मिलने के उपरांत ही मैंने वहां के प्रभारी से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट आज के दिन जो 25 घर के बच्चे हैं या जो पॉजिटिव हुए हैं उनके हाउस में जाके घर में जाके सारे लोगों का टेस्ट करना है और वो कंटेनमेंट जोन में घोषित हो जाएगा और कल से हाउस टू हाउस सर्वे मतलब वो टेस्ट करना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जो बच्चे हुए किस अगर कोई ऐसे हैं तो उसका स्कैनिंग हो सके और पॉजिटिव है तो आइसोलेशन। सर एक चीज टेस्ट जो ऐसा लगता है कि संदेह नहीं, वो स्कूल में जाके लोग किए थे। अच्छा। और चूंकि स्कूल शायद खुलने की बारी अब खुला होगा जानकारी नहीं है, तो उसी में जाके किए क्योंकि टीचर भी उनमें 3 थे। स्टार्ट हुआ होगा, इनके मन में आएगा कि एक बार स्क्रीनिंग कर लें, प्लान बनाए होंगे कि स्कूल में भी जाके स्क्रीनिंग करते हैं। मेडिकल टीम की भी गठन की गई, उसको भी भेजा जाएगा सर। हाँ, वो सारे लोग अभी कार्य कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही निर्देशित कर चुके हैं, जैसे खबर में आया हमने उनको। क्या सभी को क्वारंटीन सेंटर लाया जाएगा कि वहीं पे होम क्वारंटीन में? क्या सिम्टम्स अगर वैसी होगी, जिनको दिक्कत होगी, अगर वो क्वारंटाइन सेंटर में आना चाहेंगे, आइसोलेशन बाद में रहना चाहेंगे, तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज वो होम आइसोलेशन के लिए रिक्वाइड करेंगे तो फिर शपथ पत्र दे करके वो होम आइसोलेशन। सर लास्ट सवाल, सर कोविड रिटर्न हुआ सलाह जो सामाजिक स्तर पर जो ये कोविड की भयावहता को हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये स्कूल स्टार्टअप की जो बात हुई है और उसमें बच्चे की स्क्रीनिंग हुई है, ये थोड़ा चौंकाने वाला चीज है कि कोविड अभी बहुत गया नहीं। हम लोग ऐसे तैयारी पूरी कर चुके हैं असरगंज में, पूरा कंटेनमेंट जोन। सर असरगंज के अन्य स्कूलों को भी स्क्रीनिंग करवाया जाएगा? हाँ, निश्चित तौर पर अगर स्कूल के क्लासेस होते हैं तो सैंपलिंग रेंडम होगा, अगर पॉजिटिव पाएंगे तो उसका टेस्ट किया जाएगा। और जो एहतियात के तौर पर मेडिकल टीम्स को गठित कर दिया गया है, वो अपना स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं।